हेलो एवरीवन, माय नेम इज लता। वेलकम टू माय चैनल डेली इंटरेस्टिंग। आज मैं बताने वाली हूँ कि कैरट को कैसे पील करते हैं और किस तरीके से आपको ग्रेट करने चाहिए जिससे आपका हलवा जल्दी बने और टेस्टी बने। मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैरट को कैसे पील करना है। ये मैंने ली है कैरट। इसको ऐसे पील करेंगे लाइक दिस, बिल्कुल हल्का हल्का। जहाँ पर डीप है, आपको रूट सा दिख रहा है, उसमें मिट्टी रहती है, मिट्टी, तो उसको थोड़ा सा डीप करना है उस जगह से। ऐसे ऐसे थोड़ा कहीं कहीं ना मिट्टी सी लगी रहती है अंदर से। सबसे पहले तो अच्छे से वॉश करेंगे और जो फिर जो ऐसे रूट रूट से दिखते हैं ना ऐसे, उसको अच्छे से अंदर तक ग्रेट करना है जिससे मिट्टी हट जाए। थोड़ी बहुत मिट्टी टाइप की रहती है। अगर आपने ये सब नहीं किया, अच्छे से पील नहीं किया देख के, तो क्या है ना, आपका हलवा किस-किस आएगा और टेस्टी नहीं लगेगा। ये देखो, जैसे ये है, ये थोड़ा वैसे हल्का हल्का निकालना है, बट जहाँ पर डीप है, जहाँ ऐसे लग रहा है आपको मिट्टी है, वहाँ थोड़ा सा ऐसे हटा देंगे लाइक दिस। ऐसे पील करेंगे और फिर ये ऐसे पील करने के बाद, ऐसे पील किया फिर नीचे से काटेंगे ऐसे। ये थोड़ा सा है सूखा सूखा सा लग रहा है, इससे ना अच्छा सा ग्रेट नहीं होता। इसे काटने के बाद नीचे का पार्ट काटेंगे बट ऊपर का नहीं काटेंगे, क्योंकि ग्रेट करते करते ऊपर का फेंकना पड़ता है। इतना सा फिर ज़्यादा फेंक जाएगा। सो मैं बताती हूँ, ये मैंने और पील करने के लिए थोड़ा सा बड़ा बर्तन लेना है जिससे आपका पील नीचे नहीं गिरे। अब मैं और ग्रेट करने के लिए बड़ा सा बर्तन लेना है जिससे अच्छे से आप ग्रेटर को रख सको ऐसे। मैं इसको, ये है मोटा वाला, ये है बारीक वाला। मैं करूँगी बारीक वाले से जिससे आपका हलवा जल्दी बने। मैं बताती हूँ आपको कि किस तरीके से ग्रेट करना चाहिए जिससे आपका हलवा अच्छा बने और जल्दी बने। आप बारीक तरीके से मैं ग्रेट कर रही हूँ, मैं ग्रेट करती हूँ, आपको बताती हूँ ग्रेट करने के बाद कि कितना बारीक करना चाहिए आपको। मैं आपको बताती हूँ, कैरट ग्रेट कर लेती हूँ और आपको ऐसे ग्रेट करना है लाइक दिस। आराम से ऐसे ही कर सकते हैं, बट ऐसे ही रहता है लाइक दिस। सबके ग्रेटर अलग अलग होते हैं, मेरा ग्रेटर ऐसा है, तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ। ये मैं कैरट ग्रेट कर रही हूँ। अगर आपका कैरट अच्छे से ग्रेट होगा और पील होगा, अच्छे से बॉस होगा, तो आपका हलवा टेस्टी लगेगा और किस-किस आएगा नहीं, खाने में भी अच्छा लगेगा। ये देखिए मैंने ग्रेट किया, आप देखो कितना बारीक ग्रेट किया लोग। ये देखो, इससे बनाएंगे ना हलवा तो बहुत ही टेस्टी बनेगा और जल्दी बनेगा। वैसे तो लोग पूरी कैरेट से भी बन जाता है, बट इस तरीके से बनाओ तो बहुत टेस्टी लगता है, अलग अलग सा नहीं लगता। क्योंकि जो बड़ी ऐसे ही कैरेट का बनाते हैं, उसका थोड़ा अलग ही दिखता है, तो इसका नहीं दिखेगा, इसका बहुत ही अच्छा बनेगा। ये देखो लाइक दिस, आपको इसी तरीके से ग्रेट करेंगे, आपका हलवा अच्छा लगेगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।